नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। अग्निपथ का विरोध। बिहपुर में छात्रों ने किया रेल चक्का जाम। लगभग 4 घंटे से बाधित है रेलवे अप एवं डाउन ट्रैक। बिहपुर स्टेशन पर खड़ी है अपहाटे बाजरे और जोधपुर बीकानेर एक्सप्रेस। सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में छात्रों ने बिहपुर रेलवे स्टेशन पर रेल चक्का जाम कर दिया। करीब 4 घंटे से हाटे बाजारे अप एक्सप्रेस और जोधपुर बीकानेर डाउन एक्सप्रेस बिहपुर स्टेशन पर खड़ी है। चक्का जाम के कारण कटिहार बरौनी रेलखंड का अप और डाउन ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया। सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन पर नवगछिया के SDO यतेंद्र कुमार पाल और SDPO दिलीप कुमार समेत RPF, GRP थाने की पुलिस, झंडापुर ओपी, बिहपुर थाना, खरीक थाना और भवानीपुर ओपी पुलिस भारी संख्या में पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंच गई थी। प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन छात्र काफी आक्रोशित थे। छात्रों ने बताया कि लगभग 3 साल से बहाली प्रक्रिया ठप है। 3 साल पूर्व में भी जो बहाली प्रक्रिया की गई थी वो भी रद्द कर दी गई। 3 साल पहले वाली बहाली प्रक्रिया के कई चरणों में वे लोग सफल रहे थे। अंतिम चरण में परीक्षा होनी थी लेकिन पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। इस प्रक्रिया में शामिल छात्रों का उम्र भी समाप्त हो गई है, अब वे क्या करेंगे। बड़ी मेहनत से उन लोगों ने सफलता हासिल की थी। छात्रों ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की बहाली को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। छात्रों ने कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद ऐसे छात्र कहीं के नहीं रहेंगे और उन्हें गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी। छात्रों ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उन लोगों की बात को नहीं माना गया तो वे देश में भौकाल मचा देंगे। नगर आयुक्त ने कहा सफाई कर्मियों का जल्द होगा भुगतान। ट्रेजरी के कार्यों में कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण नहीं हो पाया था भुगतान। भागलपुर स्मार्ट सिटी बने कई वर्ष हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी भागलपुर सर्वे के अनुसार वर्ष 2021 में बहुत पीछे चला गया। आखिर क्यों न जाए, यहाँ के सफाई कर्मियों को समय पर वेतन भुगतान नहीं हो पाता। यहाँ के सफाई कर्मियों के गुजर बसर करना दूभर हो जाता है। कई सफाई कर्मियों के परिवार पर खाने पर भी आफत हो जाती है। सफाई कम कर भी संगठन की ओर से कई बार नगर निगम में धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन उस पर मजबूत एक्शन नहीं लिया जा रहा। विगत 2 माह से स्मार्ट सिटी की सफाई कर्मियों को वेतन भुगतान और पेंशन भुगतान नहीं की गई और फिर भी वो अपने कार्य को निष्ठापूर्वक निभा रहे हैं। इस संदर्भ में जब नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने बात की तो उन्होंने कहा कि सप्ताह के अंदर सभी को भुगतान कर दिया जाएगा। ट्रेजरी के कार्यों में कुछ टेक्निकल फोल्ड होने के कारण भुगतान में विलम्ब हो रहा है। सुल्तानगंज में कांग्रेस के जिला निर्वाचन पदाधिकारी से पूर्व विधायक ललित फरसवाण का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में कांग्रेस के जिला निर्वाची पदाधिकारी सह पूर्व विधायक उत्तराखंड श्री ललित फरसवाण का आगमन होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ललित फरसवाण ने अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हुए प्रखंड कांग्रेस कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ललित फरसवाण ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए क्षेत्रीय दौरा कर रहे हैं। आज अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी की मजबूती के बारे में कार्यकर्ताओं को उपदेश दिए गए, जिससे बिहार में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। इस दौरान जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विनय शर्मा, कांग्रेस कार्यकर्ता संजय जैन, संजीव झा, अयूब इस्लाही, रमेश कुमार सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार में सेना की अग्निपथ स्कीम का युवा कर रहे विरोध। कई जगह चक्का जाम तो कई जगह आगजनी कर जता रहे अपना विरोध प्रदर्शन।
भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने बीते दिनों सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ की शुरुआत की। अब इसको लेकर जगह जगह बवाल होने लगा है। वहीं नवयुवक सड़कों पर विरोध करने उतर पड़े हैं। वहीं पिछले दिनों जगह जगह विरोध के बाद अब भागलपुर जिले में सैकड़ों नवयुवकों ने अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के कई स्टेशन में लगभग दर्जनों ट्रेन का आवागमन को भी बाधित कर दिया। वहीं भागलपुर के जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा सभी नवयुवक को खदेड़ा भी गया। वही नवयुवक नाथनगर की ओर पटरी के रास्ते विरोध प्रदर्शन कर नाथनगर की ओर आगे बढ़ते रहे। किसी तरह की अनहोनी ना हो इसको लेकर रेल प्रशासन के द्वारा कई ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चलें कि प्रदर्शनकारियों ने भागलपुर नाथनगर नवगछिया बिहपुर कहलगांव पीरपैंती के अलावा कई जगह रेल का परिचालन बाधित किया, कई जगह एनएच को जाम किया, जिसके चलते कई राहगीरों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जाम हटाने को लेकर पुलिस प्रशासन प्रदर्शनकारियों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है, मगर प्रदर्शनकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं। छात्र मोदी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते दिख रहे हैं। हालांकि भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी बड़ी घटना की सूचना नहीं आई और ना ही कोई हताहत हुआ। चप्पे चप्पे पर प्रशासन पैनी नजर से सुरक्षा में लगी हुई है। कोसी के कहर ने मचाई तबाही, 10,000 परिवारों पर मंडरा रहा खतरा, पलायन करने को मजबूर। कटाव से पीड़ित ग्रामीणों ने कहा, घर के साथ साथ हम सभी परिवार कोसी नदी में समा जाएंगे। सरकार और स्थानीय प्रशासन की भारी लापरवाही, इस बार कोसी के कटाव से बदल सकता है भूगोल। भागलपुर के नवगछिया में गंगा व कोसी नदी भारी तबाही मचा रही है। दर्जनों गांव में कटाव हो रहा है, इससे लोग सहमे हुए हैं। तकरीबन 10,000 परिवारों को विस्थापित होने के बाद भी दर्जनों गांव में कटाव का खतरा मंडरा रहा है। रंगरा प्रखंड के मदरौनी जहांगीरपुर बैसी नवगछिया प्रखंड के कोरचक्का शोकचा में कटाव हो रहा है। सबसे खराब स्थिति जहांगीरपुर बैसी की है, वहां पर काफी तेज कटाव हो रहा है। गांव के मोहम्मद गफ्फार का कहना है कि कटाव निरोधी कार्य में काफी अनियमितता बरती गई है, जिस कारण से कटाव निरोधी कार्य के बावजूद काफी तेज कटाव है। मदरौनी में 7 करोड़ रुपए की लागत से 15 जगहों पर वेट बार बनाया गया, 500 मीटर में जियो बैग लगाया गया। जहांगीरपुर बैसी में 80 लाख रुपए की लागत से कटाव रोकने के लिए 2 जगहों पर परक्यूपाइन 2 रोल लगाया गया, इसके बावजूद कटाव हो रहा है। कटाव गांव के काफी करीब पहुंच गया है। ग्रामीणों के बार बार गुहार लगाने के बाद भी फ्लड फक्षटक के तहत कार्य आरंभ तो कर दिया गया, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। गांव के ग्रामीण का कहना है कि फ्लड फाइटेक के तहत कार्य होने के बाद भी लगातार कटाव हो रहा है। कटाव रोकने के लिए किनारे में बोरी में बालू भर कर रखा गया था, वो भी कट गया। गांव के लोग कटाव रोकने के लिए रत जगा कर रहे हैं। नवगछिया प्रखंड के कोरचक्का की स्थिति खराब है। गांव के पास सड़क किनारे 1 किलोमीटर तक कटाव हो रहा है। कटाव में प्रधानमंत्री योजना से बनी सड़क कभी भी नदी में समा सकती है। सड़क कटने के पश्चात कोरचक्का उजानी सहित आधा दर्जन गांव के आवागमन प्रभावित हो जाएगा। सड़क के पश्चात लोगों का घर भी कटना आरंभ हो जाएगा। कोरचक्का गांव के लोग पहले भी कटाव से विस्थापित हो चुके हैं। पुनामा प्रताप नगर कटने के पश्चात विस्थापित परिवार कोरचक्का में आकर बस गए। कोरचक्का में कटाव का खतरा मंडराने लगा है। गांव के अमलेंदु कुमार का कहना है कि फ्लड फाइटेक के तहत मिट्टी भरकर बोरी व बांस डाला जा रहा है, किंतु इन कार्यों के बावजूद कटाव नहीं रुक रहा। नवगछिया प्रखंड के शोकचा में भी कटाव हो रहा है। गांव के गौरीशंकर राय कहते हैं कि कटाव रोकने के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा। कटाव की सूचना जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को भेजी गई है, लेकिन कोई देखने नहीं पहुंचा। कटाव का खतरा गांव पर मंडरा रहा है। कटाव नहीं रोका गया तो कई लोगों का घर नदी में विलीन हो जाएगा। खरीक बिहपुर प्रखंड के कई गाँव में कटाव हो रहा है। महकाने वालों से दूर रहे आंदोलनकारी छात्र अश्विनी कुमार चौबे। अश्विनी चौबे ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर स्थिति की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अग्निपथ कार्यक्रम को देश, सेना और युवाओं के हित में बताया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने अग्निपथ कार्यक्रम के विरोध में आंदोलनरत छात्रों से आग्रह किया है कि वे बहकाने वाले तत्वों से दूर रहें। अग्निपथ कार्यक्रम देश, सेना और युवाओं के हित में है, इसे संपूर्णता में समझने की जरूरत है। श्री चौबे ने इस संदर्भ में बिहार के संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर तात्कालिक स्थिति की जानकारी ली और उन्हें छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से समझाने के लिए कहा। प्रेस को जारी बयान में केंद्रीय मंत्री श्री चौबे ने कहा कि आज युवाओं और छात्रों के कंधों पर बंदूक चलाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, जिनकी मंशा अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव युवाओं और देश के हित में सोचने और काम करते हैं, इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये योजना दूरदृष्टिपूर्ण और दूरगामी परिणाम लाने की
दिशा में एक सार्थक पहल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस योजना से न सिर्फ लाखों युवा लाभान्वित होंगे बल्कि उनके अंदर के राष्ट्रवाद की भावना और भी प्रबल होगी। इसराइल जैसे सैन्य दृष्टि से मजबूत देश में भी ऐसा ही स्कीम है। अग्निपथ से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ेगी। इसमें चयनित युवा न सिर्फ 4 साल के लिए बल्कि आगे के समय के लिए भी अनेक प्रकार से लाभान्वित होंगे। केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। अग्निवीर के रूप में 4 वर्ष तक राष्ट्र सेवा करने का अवसर आग की तरह तूल पकड़ता जा रहा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना। भागलपुर के अलावा कई स्टेशन में ट्रेन का परिचालन बाधित होने के कारण घंटों यात्रियों को हो रही परेशानी। बिहार में सेना की अग्निपथ स्कीम के तहत निकाली गई वैकेंसी को लेकर युवाओं में कई जगह विरोध प्रदर्शन किया, कई जगह चक्का जाम करते हुए आगजनी भी की। उसी बाबत भागलपुर व भागलपुर के आसपास के कई स्टेशन में ट्रेन का परिचालन बाधित होने के चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में घंटों दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस रुकने पर रेल यात्रियों को परेशानी हुई। वहीं दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफर कर रहे रेल यात्रियों ने बताया कि सुबह लगभग 10:37 से सुल्तानगंज स्टेशन पर रेल को रोका गया है। 3 घंटा लगभग बीत चुके हैं। स्टेशन में कोई व्यवस्था रेल यात्रियों के लिए नहीं की गई। साथ ही स्टेशन में बिजली न होने से एसी बंद पड़ा है, उससे उमस भरी गर्मी से काफी परेशानी हो रही है। और समय पर भागलपुर व साहिबगंज स्टेशन में ट्रेन न पहुंचने पर काफी नुकसान हो गया। वहीं सुल्तानगंज स्टेशन मास्टर दीपक कुमार ने बताया कि भागलपुर स्टेशन में छात्रों द्वारा उग्र प्रदर्शन के कारण दानापुर साहिबगंज 3236 डाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोका गया है। रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर स्टेशन परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को लगाया गया। रेल यात्रियों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए पानी की भी व्यवस्था जगह जगह की गई। स्टेशन में बिजली नहीं के सवाल पर कहा कि बिजली 5 घंटों से बाधित है, इसलिए एसी और पंखा नहीं चल पा रहा। उमस भरी गर्मी में यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। बिजली आने पर और भागलपुर में छात्रों का आंदोलन थमने के बाद ससमय ट्रेन रूट चालू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नाथनगर में गरीब रथ ट्रेन को रोका गया है। कल्याणपुर स्टेशन में डीएमयू को रोका गया है। रेल यात्रा कर रहे लोग ट्रेन छोड़कर बस यात्रा और टेम्पो यात्रा से अपने अपने कामों पर जाते देखे गए। इस दौरान भागलपुर सुल्तानगंज नौगछिया कहलगांव स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए रेल आरपीएफ और जीआरपीएफ और सुल्तानगंज थाने के सर्कल इंस्पेक्टर की गश्ती चालू है। कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सभागार में 22वीं प्रसार परिषद की ओर से हुई 2 दिवसीय बैठक। बीते 6 माह के दौरान विश्वविद्यालय में हुए कार्यों पर की गई चर्चा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सभागार में 22वीं प्रसार परिषद की 2 दिवसीय बैठक की गई। बैठक में बीते 6 माह के दौरान विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय द्वारा किए गए कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया और उपलब्धियां गिनाई गई। बैठक में भाग ले रहे सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के संबंधित प्रधान वैज्ञानिकों के द्वारा प्रगति प्रतिवेदन पढ़ा गया। साथ ही खरीफ 2022 के लिए किसान उपयोगी कार्य योजना पर भी विचार मंथन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरुण कुमार कर रहे थे। उन्होंने बैठक के दौरान सभी डीन डायरेक्टर विभाग के अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कुलपति ने कहा कि कृषि विकास की दिशा में किए जा रहे उपयोगी कार्यों में जहां भी कुछ कठिनाइयां हो उसे तत्काल दूर किया जाए। साथ ही किसानों की समस्या को सूचीबद्ध कर उसके निदान की दिशा में ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। कुलपति ने कहा कि खेसारी सोयाबीन ईक और आलू की खेती का क्षेत्र विस्तार को लेकर शोध प्रारूप तैयार करने की बात कही। चावल के शोध में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान ईरी फिलीपींस के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी करार करने की जरूरत पर बल दिया। बैठक में मंचासीन अतिथियों ने संयुक्त रूप से BAU के द्वारा प्रकाशित कृषि संदेश का भी विमोचन किया। बैठक में आमंत्रित अतिथि के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी मेरठ के पूर्व निदेशक डॉ. ओम प्रकाश सिंह, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के शिक्षा हेड डॉ. गोपेश तिवारी और ईरी सार्क वाराणसी के निदेशक डॉ. सुधांशु सिंह उपस्थित थे।